फ्रेंड्स, आई एम संदीप सर एंड वेलकम टू मार्वलस इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अर्थात समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है एन एक्शन इज कंप्लीटेड, कि कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। यानी कि जब आप बोल रहे हो उस समय तक कोई क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, तो ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को कि आई हैव रिटन अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिख चुका हूं, मैं एक नॉवेल लिख चुका हूं, मतलब अभी बोलते समय मैंने वह काम कर लिया है। आइए अब हम जानते हैं इसके हिंदी पहचान को, तभी ना हम ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी पहचान क्या होता है। देखो बच्चों, हिंदी पहचान होगा कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ए है और ई है, इत्यादि लगा होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाएगा, अर्थात कहने का मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट लगता है, तब इसमें ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में भीतरी लगता है, और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भीतरी होता है वो कभी भी अकेले नहीं आता है, अर्थात उसके साथ कोई ना कोई असिस्टेंट वर्ब यूज किए जाते हैं। असिस्टेंट वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं। ध्यान देना होगा कि भीतरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव को असिस्टेंट वर्ब के रूप में लेता है। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि हैज और हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। पता करना होगा बच्चों कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ध्यान दो बच्चों, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है बाबू कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राम, मोहन, सोहन एंड रोहन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएंगे तो वहां पर भी हैव लगेगा। अब आइए जानते हैं हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग सिंगुलर नेम्स के साथ लगता है, यानी सिंगुलर जो नेम रहेंगे उसके साथ लगेगा, यानी कि राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ही, सी, इट, ये सब के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा हैव और हैज। देखिए लिखा है उसने मेरी हमेशा मदद की है, यानी कि उसने मेरा हमेशा हेल्प किया है। तो समझते किस बनाएंगे, उसने का ही रखेंगे। अब देखिए ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, तो ही हैज, हमेशा का अंग्रेजी क्या होता है अलवेज, तो ही हैज अलवेज हेल्प्ड मी। अब आप सोचोगे कि अलवेज का प्रयोग सर आपने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही बात, लेकिन बच्चों प्रेजेंट में ही ये भी क्रिया है, इसमें अंतर यही है कि ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी हमारे ऊपर है। मतलब कि उसने मेरी हमेशा मदद की है, अर्थात अभी भी मैं मदद अगर उससे मांगता हूं तो मुझे मदद जरूर करेगा। तो ध्यान देना होगा इसी के लिए आदत को दर्शाने के लिए भी हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। कह रहा कि ही हैज ऑलवेज हेल्प मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस भीतरी, नेगेटिव है तो नॉट लगता है। तो यहां पर देखिए वो कि हैज और हैव के साथ नॉट एक साथ कैसे होता है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म जानते हैं थोड़ा सा, हैजंट और हैवंट का प्रयोग करते हैं भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ध्यान देना होगा बच्चों, सिर्फ कुछ नहीं करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है, सब ऊपर वाले ऊपर की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। अब देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोला जाएगा, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्लियर बच्चों। अब ध्यान देना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको बताया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक्जिलरी वर्ब को बाहर कर देते हैं, वही काम मैंने यहां पर भी किया है, हैज हैव को बाहर कर दिया, सब्जेक्ट को अंदर रख दिया। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी को मैं
एक साथ जोड़ दिया तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस नॉट, यानी कि ये आपका सेंटेंस जो हो जाएगा यस को शो करेगा और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव को शो करेगा। ध्यान देना बच्चों, ऊपर में क्या वह ऐसा कर सकता है, नीचे में होगा क्या वह ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, नेगेटिव हो गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ये अफर्मेटिव हो गया। तो ध्यान देना होगा बच्चों, यहां पे समझना होगा ये बात कि यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट यस को शो करता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट नो को शो करता है। और इसी को नॉट को एक साथ जोड़ेंगे तो हैजंट और हैवंट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस में यहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। यहां आइए एग्जांपल को देखते हैं। क्या तुमने गरीबों की मदद की है, क्या तुमने गरीबों की मदद की है। ध्यान देना होगा, हैव यू हेल्प्ड द पुअर। अब समझना होगा बाबू, हैव क्यों लगा, यू के साथ लगा, क्योंकि यू है सब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। और अब जानते हैं कि भीतरी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट को रखना होगा, तो हैव यू हेल्प्ड द पुअर हो गया। आगे कह रहा है कि क्या तुमने ऐसा नहीं किया है, हैव यू नॉट डन सो। अब इसको बना सकते हैं कि हैवंट यू डन सो, क्योंकि हैव और नॉट को एक साथ रखना होगा। हैव और नॉट को जब एक साथ रखेंगे सब्जेक्ट के पहले हो सकता है हैवंट का प्रयोग, ठीक है। ध्यान देना होगा बच्चों, अब डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में वैसे भी कुछ नहीं होता है। डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो भी व्हाट व्हिच व्हेन वेयर जो भी होते हैं, उसको सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है। ध्यान देना होगा, उसने ऐसा क्यों किया है, तो बनाएंगे बाबू वाई हैज ही डन सो, वाई हैज ही डन सो। मैंने क्या किया, क्यों का अंग्रेजी पहले बना दिया और फिर ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही यहां पे लिख दिया गया, वाई हैज ही डन सो। ध्यान देना होगा नीचे, तुमने अपने माता पिता के लिए क्या किया है। सही बात है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बताओ तुमने अपने माता पिता के लिए क्या किया है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट हैव यू डन फॉर योर पेरेंट्स, व्हाट हैव यू डन फॉर योर पेरेंट्स। फिर कह रहा है कि तुमने ताजमहल कब देखा है। हाँ मुझे पता है तुमने ताजमहल देखा है, बट कब देखा है, तो ये पूछ रहा है। बनाएंगे व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल, व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल। तुमने झूठ क्यों बोला है, ध्यान दीजिए तुमने झूठ क्यों बोला है, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई। देखिए यहां पर टेल अलाई होता है, तो टेल का भीतरी टोल्ड हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके आधारित ट्रांसलेशन को सीखा। अब इसके बाद आप लोग अभी सीखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अभी आप सीखने जा रहे हैं कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, यानी कि वेरियस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम बट इट्स इफेक्ट इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम। यानी कि कोई क्रिया पास्ट समय में, यानी कि पास्ट टाइम में खत्म हुआ था, यानी कि कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट टाइम में है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में उसका इफेक्ट है। ध्यान देना होगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ध्यान देना होगा बच्चों यहां पे कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, यानी कि अब मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। ध्यान देना होगा कि ये एक्शन जो है वो समाप्त तो हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हमारे ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, कि सी हैज कट हर फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली है, अंगुली काटने वाला काम हो चुका है, यानी कि पास्ट टाइम में कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन ब्लड अभी भी निकल रहा है, यानी दर्द अभी भी हो रहा है, तो ये पेन, ये ब्लीडिंग होना आपका प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। कोई क्रिया समाप्त तो हो गई है, अंगुली कटने का काम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट जारी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा बच्चों कि इट इज यूज टू डिनोट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब होता है हाल में ही कोई एक्शन समाप्त हुआ, यानी कि
अभी अभी कोई एक्शन क्या हुआ, समाप्त हुआ। जैसे माय मॉम हैज कुक्ड मील, मेरी मम्मी क्या बना चुकी है, भोजन बना चुकी है। ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी यानी कि तुरंत आया है। ही हैज रिसेंटली, अब कह रहा है कि ही हैज रिसेंटली टेकन एडमिशन इन बीएससी पार्ट वन, उसने हाल में ही बीएससी पार्ट वन में एडमिशन लिया है। Have you ever seen the Taj Mahal? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ever का प्रयोग हुआ, यहाँ पर recently का प्रयोग हुआ, यहाँ पे just का प्रयोग हुआ, ये सब present perfect में यूज किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ present perfect time expressing words के बारे में। तो ध्यान देना बाबू, सम इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि ये सब वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। ठीक है, जैसे अलवेज है, नेवर, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, येट, लेटली, सो फॉर, ओकेजनली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, फॉर, सिंस एक्सेट्रा। ध्यान देना होगा ये सब का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको करके कुछ बताया भी गया है। नेक्स्ट में देखते हैं बाबू कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद इट इज प्लस द प्लस ऑर्डिनल नंबर, थोड़ा समझना होगा बच्चों कि ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पढ़ना है आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव्स और नंबर में दो नंबर की चर्चा की गई है, एक ऑर्डिनल नंबर और दूसरा कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और कार्डिनल नंबर उसे कहते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं, या कोई एसडी फॉर्म रहे यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म रहे। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म हो। ठीक है, प्लस टाइम रहे या चांस रहे या अपॉर्चुनिटी रहे, ये रहेगा, तो देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट आफ्टर इट, यानी कि ठीक इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब स्ट्रक्चर के बाद आप वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ध्यान देखिए एग्जांपल को, कह रहा कि इट इज द फर्स्ट टाइम, ध्यान देना होगा बच्चों, मैं समझा रहा हूं आप कैसे, देखिए क्या लिखा, इट इज द ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट बताया गया, फर्स्ट, उसका कह रहा कि एसडी फॉर्म, तब या तो ये रहेगा नहीं तो एसडी फॉर्म रहेगा, दोनों में से कोई एक ही है, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट टाइम। अब यहां पे कॉमा दिया गया है तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा बाबू वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। देखिए बन रहा है कि नहीं, ही हैज कम टू मीट मी, ध्यान दीजिएगा, इट इज द फर्स्ट टाइम ही हैज कम टू मीट मी, पहली बार वह मुझसे मिलने आया है। ध्यान देना होगा, कह रहा कि इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड चांसेस, सॉरी, इट इज द सेकेंड चांस यू हैव हेल्प्ड मी, या दूसरा अवसर है जो तुमने मेरी मदद की है। ठीक है, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉट इन माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है, यानी कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छा अवसर है। ठीक है, ध्यान देना होगा आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट में, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, ध्यान देना होगा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस That past action, यानी कि उस past action को show करने के लिए क्या आता है, which is started in past time, जो कि past time में start तो हुआ and continue in the present time। ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या अंतर है, ऊपर वाला कह रहा था कि completed, ये क्या कह रहा है कि past में started हुआ था, वो क्या कह रहा था, completed था। ध्यान देना दोनों के में अंतर क्या है, ऊपर जाके समझिएगा, कह रहा कि एक्सप्रेस दैट पास्ट एक्शन विच इज स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वैसा एक्शन जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ तथा अभी भी कंटिन्यू है, उस एक्शन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये एक्शन को प्रूव करने के लिए, एक्शन के लिए या इस एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, समझ गया ना, लेकिन इसमें भी इसका प्रयोग होता है, ध्यान देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट पास्ट एक्शंस व्हिच इज स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी स्टार्टिंग है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं इसके एग्जांपल के रूप में क्या कह रहा है वो, आई हैव नोन यू सिंस 2016, मैं आपको 2016 से जान रहा हूं या जान चुका हूं, यानी कि मैं 2016 में आपको जानने का काम किया था, अर्थात आपसे मुलाकात हुई थी, आपको जाना था और आज भी आपको जान रहा हूं, ध्यान देना होगा। अब यहां पे एक और एग्जांपल है, समझना, आगे बढ़ते हैं कि आई हैव लिव्ड, देखिए क्या है, आई हैव लिव्ड इन दिस कॉलोनी फॉर 5 years, मैं इस कॉलोनी में 5 वर्षों से रह चुका हूं, अर्थात आगे रहने का भी चांस है, अर्थात अभी भी रह रहा हूं, क्लियर। अब और एक दो रूल है, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला रूल आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि अभी आपने देखा कि लिखा हुआ था एक सेंटेंस कि आई हैव, ध्यान देना होगा, आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू सिंस 2016। देखो बच्चों यहां पे जो एक नॉन होगा, नॉन जो वर्ब है यानी कि जो नो वर्ब है, ध्यान देना होगा नो वर्ब, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, यही कारण है कि इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2016। आपने सोचा होगा कि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर या सिंस का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस वर्ब को शो करने के लिए भी किया जाता है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। वैसे तो फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ध्यान देना होगा, लेकिन इस टेंस के साथ भी होता है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसी के कारण होता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना होगा कि इन जितने भी वर्ब्स हैं जो नो है, लाइक है, अंडरस्टैंड है, रिमेम्बर है, थिंक है, सपोज है, सी है, स्मेल है, जितने भी होते हैं वर्ब, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था आप लोगों को, या पूरा मतलब डिस्क्राइब किया था मैं इसके बारे में, तो वो सभी जितने भी वर्ब होंगे उनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, यही कारण है कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, और इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात को ध्यान दीजिएगा बाबू कि ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं, ध्यान देना, ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप यहां पर समझ सकते हैं कि ही हैज बीन इल, ध्यान देना होगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब ध्यान देना होगा कि ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह जो है वह मंडे से क्या है, बीमार है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, ध्यान देना होगा इस सेंटेंस को, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो ही हैज बीन इलिंग सिंस मंडे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत होगा कहना, ठीक है, इसलिए कहेंगे he has been ill since Monday, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला रूल इसका होगा, अगला जो इसका रूल होगा ये है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज अनसर्टेन, यानी कि कुछ ऐसे भी पास्ट एक्शन के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो कराता है या बताता है जो हुए तो हैं, यानी पास्ट में हुए तो थे लेकिन उनका कोई डेट मालूम नहीं था। जैसे कि आप एग्जांपल रूप में देखिए, कह रहा कि ही हैज बीन टू लंदन, वह लंदन में रह चुका है, यानी कहने का मतलब कि वह लंदन में रहा है, यानी कब रहा है ये अनसर्टेन है, ये यहां पर जानकारी नहीं है। दूसरा है कि आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है लेकिन कब ये पता नहीं है, यानी कि पास्ट के ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जिसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया गया हो, टाइम अनसर्टेन हो, उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इफ टुडे डिनोट्स पास्ट टाइम फॉर द डे इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान देना होगा कि टुडे का प्रयोग जो है अगर पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए किया गया हो, यानी कि टुडे जो है वो डिनोट करता है अगर पास्ट टाइम को फॉर द डे, एक दिन के लिए, मान लिया जाए कभी कितना टाइम हो रहा है, हो सकता है कि 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा या 4 बज रहा होगा, इसी दिन की,
ध्यान देना होगा, इसी दिन के पास्ट टाइम को शो करने के लिए अगर टू डी का प्रयोग किया गया होगा तो टू डी के साथ पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाते हैं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि टुडे आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा है, आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा ऐसा नहीं होगा, सीखा है क्योंकि यह बात आज ही का है। भले ही ये टुडे पास्ट टाइम को शो कर रहा है लेकिन दिन तो आज ही है ना, इसीलिए आज के ड्यूरेशन वाले दिन में ये टुडे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा कि इफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज जस्ट आफ्टर सिंस, यानी कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया हो तो वी यूज करा कि वी मस्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिफोर सिंस, तो हम सिंस, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिंस ऐसे है ठीक है, प्लस अगर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया हो, सिंपल पास्ट टेंस लगा हो तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान रखना है कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये रूल बढ़िया से याद रखिएगा। कह रहा है कि फाइव इयर्स हैव पास्ट, 5 साल बीत गए सिंस आई वेंट टू आगरा, आगरा गए हुए, यानी कि आगरा गए हुए हमें 5 साल क्या हुए बीत गए। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉर और सिंस, ध्यान देना होगा ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसके लिए है ध्यान देना होगा। अब कह रहा है कि फॉर और सिंस कैन बी यूज्ड टू मेंशन टाइम इन दिस टेंस फॉर अ कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि फॉर और सिंस का प्रयोग जो है, ध्यान देना होगा कि फॉर और सिंस का प्रयोग जो है इस टेंस में कंप्लीटेड एक्शन को मेंशन करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि आज के समय में ही कोई एक्शन का बात किया गया है, कोई टाइम में काम किया गया हो तो उसको भी मेंशन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। आइए एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा है कि ही हैज स्टडीड, उसने अध्ययन किया है इंग्लिश ग्रामर का फॉर 3 आवर्स टुडे, यानी आज ही के दिन में, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक दिन में, यानी कहने का कि एक निश्चित टाइम में किसी कार्य के समय को बताने के लिए भी किया जाता है, कितनी बार वह काम हुआ है उसके जो टाइमिंग है उसको बताने के लिए किया जाता है, तो कितने बार हुआ वो 3 आवर्स। ध्यान देना होगा कि ही हैज स्टडीड इंग्लिश ग्रामर फॉर 3 आवर्स टुडे, यानी कि आज के दिन आज वह 3 घंटे अंग्रेजी पढ़ा या अंग्रेजी का अध्ययन किया। सी है कि ही है, तो ही है तो किया। ठीक है, ध्यान देना होगा बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप लोगों को आज पता चला। दूसरी बात कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा, अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको, जब आप कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।